क्लास फोर का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर फाइव है, ईदगाह। प्रस्तुत पाठ में पारिवारिक संबंधों के विषय में समझाया गया है कि अच्छे संस्कार वाले बच्चे घर में बड़ों का किस तरह से आदर और सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और प्रत्येक सदस्यों के प्रति आपस में प्रेम की भावना होती है। यह कहानी इस चीज को दर्शा रहा है। इस कहानी का शीर्षक है ईदगाह। इस कहानी में एक लड़का रहता है, उसके माता पिता नहीं रहते हैं, वह अपने दादी के साथ रहता है और किस तरह वह अपने दादी का ख्याल रखता है यह देखते हैं हम लोग। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है, यानी पूरे 30 दिन रोजा करने के बाद अंतिम दिन ईद होता है। और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सवेरा। किस दिन का? तो ईद के दिन का। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है। स्वाभाविक बात है, जब कोई पर्व त्योहार आता है तो आपके मन में अंदर में उल्लास होती है उस पर्व को मनाने की, और बच्चे खास करके बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो उस समय उन्हें यह महसूस होता है कि चारों तरफ वातावरण अच्छा दिखाई देता है। जब मन प्रसन्न रहता है तो हर तरफ हरियाली नजर आती है। ठीक यही बात उस बच्चे के साथ थी कि वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली नजर आ रही थी, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार का सभी संसार का ईद को बधाई दे रहा है। और गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, यानी सभी लोग गांव के प्रत्येक व्यक्ति आपस में उत्सुक हैं और ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। यानी ईद के दिन ईदगाह मस्जिद में सिर्फ लड़के लोग ही जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती है। और गांव के लड़के लोग बहुत खुश हैं, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब में खर्चा निकाल कर गिनते हैं खजाना। यानी माता पिता के द्वारा मेला घूमने के लिए जो पैसे दी गई है उसको निकाल के बार बार वो गिनते हैं। महमूद गिनता है कि 1, 2, 10, 12, यानी उसको सही से गिनती गिनने नहीं आ रहा है और बार बार वह उल्टा सीधा गिनती गिन रहा है। उसके पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, यानी बच्चे आपस में बोल रहे हैं कि ये अनगिनत पैसे से हम अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या सबसे ज्यादा पसंद है हमें। यानी सब अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं कि खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल बाजा होता है वो लाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें प्रसन्न है हामिद। हामिद वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की बीमारी के भेंट हो गए। यानी हामिद के पिता की मृत्यु हैजे की बीमारी के कारण हो जाती है और माँ न जाने क्यों बीमार हो गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी, यानी हामिद की माँ मरी उसके विषय में यह पता नहीं चल पाया उसे क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता और अमीना उतना ही प्रसन्नता से उसको रखती थी। उसके अब्बा अमीना उसको बताई हुई थी हामिद को कि उसके अब्बा जो है रुपये कमाने गए हैं और अम्मी जो है उसके लिए बहुत अच्छी चीजें लाने गई है, अल्लाह मियाँ के यहाँ अच्छी चीजें लाने के लिए गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है, आशा करता है तो बड़ी चीज बड़ी आशा करना तो बड़ी चीज है। हामिद के पांव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। यानी उस बच्चे के पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, लोग उसे बता रहे हैं कि अल्लाह मियाँ कमाने गए हैं उसके घर के लिए, अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे उसके लिए और इसलिए वह हामिद प्रसन्न है। आशा करना तो बड़ी दूर की चीज है, हामिद के पांव में कुछ जूते भी नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसके गोटे भी पुराने पड़ गए। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, यानी हामिद की दादी जो है वो अपनी कोठरी में बैठ कर रो रही है। अब स्वाभाविक बात है, जिसके बेटा नहीं गए, जिसके बहू नहीं गए, वह तो दुखित होगी ही और उस बच्चे को देखकर, हामिद को देखकर उसे और भी रुलाई आ रहा होगा कि इस बच्चे का कैसा भविष्य हो गया। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, इतनी गरीबी है, कमाने वाला कोई
तक नहीं थी, लेकिन हमी उसके अंदर प्रकाश है, यानी उस बच्चे में खुशियां झलक रही थी। बाहर आशा की किरण हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यानी वह छोटा सा 4-5 साल का बच्चा वो सबके साथ ईदगाह जाने की तैयारी में है, मेला देखेंगे, मन में खुशहाली है। और वो अपनी दादी से बोलता है कि अम्मा तू डरना नहीं, मैं सबके साथ जाऊंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी उसके मन में अंदर से दिल कचोट रहा है। और गाँव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन उसके मन में इसलिए दिल कचोट रहा है कि सभी बच्चे तो अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन यह बेचारा किसके साथ जाए? कौन हामिद? हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? दादी को यह भी डर सता रही थी। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसकी गोदी ले गई। यानी इतनी सारी बातें दादी सोच रही है कि पैर में जूता नहीं है, घर से कोई उसके साथ जा नहीं रहा है, पता नहीं कैसे जाएगा, उसका पांव दुख जाएगा। लेकिन यहाँ वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। यानी मन में यह भी कल्पना होती कि अगर हम साथ जाए तो थोड़ी दूर चलने पर उसे गोद ले लेंगे, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? यह भी मन में है कि घर में जो सेवैया बनेगी, मैं चली जाऊंगी तो कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन पास में तो पैसे भी नहीं है। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। यानी जब पैसे नहीं रहते हैं तो किसी से ले देकर लोग जब काम चलाता है तो वह आसानी से नहीं हो पाता है, वह बहुत मुश्किल से जुटा पाता है। यही बात उस अमीना के साथ थी। गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। शहर का दामन आ गया, शहर नजदीक आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। यानी जब वो ईदगाह के नजदीक पहुंचा तो शहर के नजदीक आ गया। सड़क के दोनों ओर इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, सब क्लब आदि थे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती में घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी। यानी ईदगाह नजदीक आ गया था तो सब टोली में सब झुंड बनाकर जा रहे थे, वह दिखाई देने लगे, दुकानें सजी हुई थी। लाखों से एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, यानी जब देखते हो कि नमाज पढ़ता है तो एक साथ सब झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। वही फिर सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और नमाज खत्म हो गई, लोग वापस गले मिल रहे हैं, सब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा बोलते हैं। यानी जब नमाज खत्म हो जाती है तो सभी लोग मेला की तरफ निकलते हैं, जहाँ केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, हासिम साहिल वकील और अरशद धोबी। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, वो अपने आप को समझता है कि मिट्टी के तो है, गिर के चकना चूर हो जाएंगे। अब देखिए सारे बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद चुपचाप से देखते रहता है, ललचाई आंखों से देखता है। फिर वो अपने मन में संतोष करके कहता है कि चलो ये खिलौने मिट्टी के ही तो है, फिर तो टूट ही जाएंगे, और अपने आप को समझा लेते हैं। और मिठाई की दुकान आती है, किसी ने रेलगाड़ियां ली, किसी ने गुलाब, किसी ने रेवड़ियां, रेवड़ी मिठाई का नाम सुने रहिएगा, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा खरीदे। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। यानी उसके दोस्त में से एक दोस्त बोल रहा है कि रेवड़ी खरीद लो, यह बहुत खुशबूदार है। हामिद का रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? फिर भी उस बच्चे को दूसरे के पैसे पर थोड़ा भी लालच नहीं थी, और वह बोल रहा है कि तुम खाओ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे खाने की इच्छा होगी तो मैं खुद खरीद के खा लूंगा। अर्शद बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? लेकिन हामिद बोलता है, मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें आती हैं, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है और हाथ जला डालती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। यानी सभी बच्चे तरह तरह की मिठाइयां और खिलौने लिए, लेकिन वह बच्चा
पर नहीं ध्यान गई, बच्चे खिलौने खरीदे, लालच तो आए पर वह यह करके यह सोचकर मन में संतोष कर लिया कि मिट्टी के खिलौने हैं टूट जाएंगे। लेकिन उसे दादी की आवश्यकता कितना ध्यान था कि वह उसके मन में थी कि चिमटा ले जाएंगे तो दादी का हाथ तवे में नहीं जलेगा, वह चिमटे से रोटी को सेकेगी। तो वह दौड़कर चिमटा को देखता है और दौड़कर मेरे हाथ में से, और वह कल्पना भी करता है कि जब मैं चिमटा खरीद कर ले जाऊंगा तो कितना प्रसन्न होगी दादी, कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी, दादी अम्मा चिमटा देखेगी तो दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। यानी यह सब कल्पना हामिद कर रहा है कि दादी माँ किस तरह से प्रसन्न होगी और किस तरह से वह चिमटे को देखकर प्रभाव व्यक्त करेगी, हजारों धुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी कि सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यानी चिमटा को देखते ही उसके मन में इतनी सारी कल्पना आ गई कि दादी कितना प्रसन्न होगी, दुआएं देगी, पास पड़ोस की महिला को दिखाएगी, मेरी प्रशंसा होगी। तो बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यानी उसके मन में थी कि जब बड़े लोग हमें आशीर्वाद देंगे तो वह सीधे अल्लाह के दरबार में जाएगी, भगवान के दरबार में जाएगी और मुझे अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसा स्वाभाविक ही है, बड़े बुजुर्गों से हमें हमेशा सब आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी आदर सम्मान करना चाहिए, या वह बच्चा सच ही सोच रहा था। तो हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, 6 पैसे कीमत। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। हामिद ने 3 पैसे लोगे, दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने यानी 6 पैसे बोला दुकानदार ने, लेकिन हामिद ने फिर उसे हिम्मत करके पूछा कि 3 पैसे लोगे। फिर दुकानदार तैयार हो गया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंधु को, और शाम से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करोगे। यानी सभी दोस्त आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और मजाक करते हैं कि यह चिमटा क्यों लाए। लेकिन वह हामिद जो था वह चिमटा खरीद कर बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे यह मालूम था कि मुझे दादी से बहुत ही प्रशंसा मिलेगी। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद उठाकर प्यार करने लगी। ससा उनके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यानी पहले से ही अमीना हामिद के आने की इंतजार कर ही रही थी। जैसे ही हामिद पहुंचा उसका आवाज सुनते ही वह दौड़ी और उसे उठाकर प्यार करने लगी और उसके कंधे पर रखे चिमटे को देखी। यह चिमटा कहाँ से लाया, हामिमा ने पूछा। मैंने मोल लिया है, मोल यानी खरीद कर लाया है। कै पैसे में, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दो बार वो आई है, कुछ खाया न पिया, क्या चिमटा सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया। यानी पूरे दिन वह लड़का भूखे रह गया, लेकिन उसको अपनी दादी की आवश्यकता की ध्यान थी, इसलिए दादी उसे बोल रही थी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। यानी फिर भी हामिद डरे हुए है, अपराधी की तरह है, वह बोल रहा है कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती इतनी रोटी बनाने में, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी उसकी सूझबूझ को देखकर, हामिद की सूझबूझ को देखकर, उसे दादी के प्रति प्रेम को देखकर उसको उसका क्रोध अमीना का प्रेम में बदल गया, स्नेह में बदल गया। वह बहुत खुश हो गई, बच्चे में कितना त्याग। अब देखिए आप लोग भी इस विषय पर विचार कीजिए कि बच्चे में कितना प्यार, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर उनका मन कितना लज्जाया होगा। वहां भी अपनी बूढ़ी दादी याद बनी रही। यानी उस मेले में भी आप लोग कभी जाते हो या तो सब चीज को भूल कर उस मेले में ही इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे में कैसी भावना थी जो उस सब चीज को भूल कर वह उसे अपनी दादी की आवश्यकता की ध्यान थी, वो अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रखी। अमीना का मन गदगद हो गया और आंचल फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और आंसुओं की बड़ी बंदी बूंदे गिनती जाती। यानी कि प्रेम में
अमीना को आंसू बह रहे थे और वह भगवान से दुआ मांग रही थी हामिद के लिए। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता, यानी इतना अमीना रो रही थी लेकिन वह तो बच्चा था, उसे पिता की मृत्यु और माँ की मृत्यु पर उतना कुछ समझ ही नहीं था। वह तो समझ रहा था कि पिता मेरे पैसे कमाने गए हैं, माँ भगवान को प्यारी हो गई है, भगवान क्या गई है, वह यह समझ रहा था। तो उसे यह एहसास भी नहीं हो रहा था, लेकिन दादी को उस बच्चे के भाग्य को देखते हुए उसे बुआई आ रही थी कि यह बच्चा कैसा है जिसके पिता नहीं है, माँ नहीं है, और उसके दया भाव से वह ओत प्रोत थी। तो यही आपकी कहानी थी। अब देखिए चैप्टर में प्रश्न उत्तर दिया गया है कि ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे। तो बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, ईदगाह में जाना था, इसीलिए बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अमीना क्यों उदास थी, क्योंकि उसके बेटे नहीं थे, बहू नहीं थी और बहुत सारी परिस्थितियां थी, उस बच्चे को देखकर ही उसे अफसोस हो रहा था, यह सब देखकर वह उदास थी। साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया, तो हामिद खिलौने को देखकर हामिद ने पहले तो उसे लालच आया, लेकिन बाद में उसे अपने आप को समझाया कि मिट्टी के खिलौने हैं, टूट जाएंगे, इसलिए वह उसे अपने उस ओर से अपने मन को हटा लिया। हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा, क्योंकि उसे दादी की आवश्यकता पर बार बार ध्यान जाती थी कि दादी जब रोटी बनाती है तो उसकी हाथ जल जाती है, इसलिए वह चिमटे को प्राथमिकता दी और चिमटा खरीदना उचित समझा। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, जब उसने देखा कि दादी के प्रति उस हामिद का प्रेम को देखा कि वह उसकी आवश्यकता को कितना ध्यान रखता है, यह देखकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। मैंने भी यदि हामिद की जगह आप होते तो क्या करते, या आप सोचकर समझकर लिखेंगे और होमवर्क में हम दे रहे हैं।